श्रीमद् भगवद गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है, चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो। श्रीमद् भगवद गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का हल देती है, चाहे वह परेशानी आपके मन की हो, धन की हो, या आपके शरीर की हो, या आपके रिश्तों की हो। आपको अपनी हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में जरूर मिलेगा। श्री भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है, उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। गीता सर्वशास्त्रमय है, इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहा जाता है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल उपदेश आपको बताएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। बस आप इन बातों को वीडियो के अंत तक ध्यान से सुनिए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा, उसे अपनी जिंदगी की हर परेशानी का हल अवश्य मिलेगा। उसे अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वह उसे जरूर मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश यही है कि कोई अगर आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है, तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। गीता का यह उपदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफों को यह सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मेरा बड़ा है। इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं? हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे, तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वह होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर दे। गीता का यह उपदेश है, किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहे लोग आपको उतना सहने के लिए और मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है, इसके आरंभ में ही अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया है। हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? यह सब तो मेरे अपने ही है। मैं कैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि यह दोनों तो मेरे पूजन, इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है मैं भिक्षा मांगकर गुजारा करूं। और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, वह सब धृतराष्ट्र के पुत्र, मेरे भाई ही हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यहां कौन अपना है और कौन पराया है जो अधर्म करता है, उसके साथ युद्ध करना तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देगा। तुम अपने इस मन के मोह को त्याग दो, नहीं तो सारा जग तुम्हारी निंदा ही करेगा, तुम्हें डरपोक कहेगा, और बात अपने पराए की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तुम गलत को सहोगे, उसका अंत नहीं करोगे, तो गलत करने वाले को और बल मिलेगा, वह और भी गलत करेगा। इसलिए अपने मोह को त्याग कर तुम युद्ध करो। महाभारत की एक और कहानी भी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी होते हैं, रोने लगते हैं। वह श्री कृष्ण से कहने लगते हैं कि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्माओं के लोक में लेकर गए, जहां अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था, क्योंकि उसने क्षत्रियोचित व्यवहार किया, इसलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुंचा, तो अर्जुन अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसे गले से लगाकर कहने लगे कि पुत्र, मैं तेरे बिना तो जी ही नहीं सकता, मैंने तो अपने जीवन की आशा का ही त्याग कर दिया है। तो अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं? अर्जुन बोले, मैं तेरा पिता हूं, तू मेरा पुत्र है। अभिमन्यु कहने लगा कि कौन, पिता कौन, पुत्र मेरे हजारों जन्म हुए हैं, किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूं। आत्मा का ना तो कोई माता होता है और ना कोई पिता होता है। जब अर्जुन ने देखा मेरा पुत्र मुझे पहचान भी नहीं रहा, तो उसका सारा मोह ही खत्म हो गया। इसलिए गीता के उपदेश को ठीक से समझ लो कि यहां कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में तुम्हारा साथ दे, सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराए हैं।
गीता का दूसरा उपदेश यह है कि जो चला गया है उसका कभी दुख मत करो। गीता को हम भगवान से भी बढ़कर कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों उपयोगी माना गया है। इसीलिए गीता के विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले जरूर सुनें। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वह ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे और जैसे आपके के विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीच बन जाओगे, अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाई पर जाओगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ झल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में ना ही पड़ता है। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी खोज लेगा। माधव कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते हो। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। किसी जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता, केवल तीन शस्त्रों से प्राप्त होती है। धर्म धैर्य और साहस कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है या मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचे हमारे कर्म हैं। कभी कभी लगता है कि अच्छे कार्य करते रहने से उसका फल अच्छा नहीं मिलता और भगवान सारे दुख हमारी ही झोली में डाल देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी जब पुण्य कार्य करें तो उसको ईश्वर पर समर्पित कर दें और मन में किसी भी तरह का भाव ना रखें। संसार में सब कुछ अंतवसन है, इसलिए पाप और पुण्य भी अंतवसन को प्राप्त होता है। लेकिन पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर यह है कि पुण्य का फल यदि हम नहीं चाहते तो उस फल को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है।
इसलिए जो भी हम सत्कर्म करते हैं अंत में प्रभु को समर्पित कर देते हैं। लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या भगवान स्वीकार करेंगे? निश्चित स्वीकार करेंगे, क्योंकि भगवान ने स्वयं गीता में अर्जुन से कहा है, हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, पवित्र यज्ञ अग्नि में जो आहुति डालते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पित करते हुए करो। इसलिए जो भी कर्म करें भगवान को समर्पित करने के भाव से करें। इस प्रकार हम जो भी पुण्य कर्म करेंगे ईश्वर को साथ रखकर समष्टि के कल कल्याण की भावना से करेंगे और उसे ईश्वर को समर्पित भी कर देंगे, ताकि उस पुण्य का भी अभिमान ना हो। देखो, पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की बंधन दोनों में है। लोहे की जंजीर से छूटने का आदमी को मन भी करता है, लेकिन सोने की जंजीर से जो बंधा हुआ हो उसको वह बंधन प्यारा लगने लगता है, उसमें उसको धन नजर आता है, उससे छूटने का मन नहीं करता। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि पुण्य कर्म मुझे समर्पित कर दे, मुझे अर्पण कर दे, नहीं तो उसके बंधन में बंध होगे। लेकिन जहां तक पाप कर्म की बात है तो कहा गया है कि वह भोगना ही पड़ता है। रामचरित मानस में निषाद राज गुह को राम जी का प्रेम यानी भक्ति मिली। भगवान राम गंगा पार कराने पर जब केवट को उत्तराई देने लगे तो उसने विनय पूर्वक उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो क्या खाली हाथ लौट आया उसे? नहीं, तब भगवान ने केवट को विमल भक्ति का वरदान देकर अनुग्रहित किया। भक्ति एक ऐसी चीज है जो पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती, जिस पर ईश्वर कृपा करते हैं उसी को प्राप्त होती है। स्वयं महादेव भी रामचरित मानस में भक्ति की ही याचना करते हुए कहते हैं, बार बार बर मागू हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अनुपा भगति सदा सत्संग भक्ति। ऐसी है कि परमात्मा जिस पर प्रसन्न होते हैं वह जिसको देना चाहते हैं उसी को मिलती है। गुजराती साहित्य के आदि कवि नरसिंह मेहता ने तो गाया है, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्म लोकमान ना ही रे, ऐसा अद्भुत मूल्यवान पदार्थ जिसको कहते हैं प्रेम पदार्थ, वह भक्ति है। मैं तो कहता हूं कि जैसे आप अपने देश की करेंसी किसी अन्य देश की करेंसी से कन्वर्ट करा लेते हैं, उसी प्रकार पुण्य कन्वर्ट करा लें। प्रभु प्रेम में एक दर्पण अपनी काबिलियत कभी नहीं बदलता, फिर चाहे वह दो टुकड़ों में विभाजित हो या हजार टुकड़ों में। इसलिए अपने असली बर्ताव को कभी नहीं बदले, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। जब परिस्थितियां हमारे वश में ना हो तब मन की स्थिति बदल के देखिए। सब कुछ तो नहीं, पर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही है। पानी को कस कर पकड़ोगे तो वह हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो, वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में ना आए तो जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव व तटस्थ होकर बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। कठिन परिस्थिति में ही दिमाग को शांत करने की जरूरत पड़ती है, उस समय सारा माहौल विपरीत होता है। आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर अचानक कहीं आग लग जाए तो आप क्या करेंगे, कैसे बुझाए? तो आप कहेंगे कि ऐसी परिस्थितियों के लिए हम पहले से ही इंतजाम करके रखेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सभी जगहों पर ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स पहले से होता है। आपको शायद मेरी यह बात अजीब लग रही होगी, लेकिन इसी में आपके सवाल का जवाब है। जैसे आग लगने पर कुआं नहीं खोद सकते, वैसे ही अचानक मुश्किल हालात आने पर मन को शांत नहीं कर सकते, चाहे उस समय कितनी ही मोटिवेशनल स्पीच हमारी सुन लीजिए, वीडियो देख लीजिए, भक्ति भजन कर लीजिए, मन शांत नहीं होगा। अगर पहले से ही मन को सकारात्मक सोच, अध्यात्म और सच्ची भक्ति में लगाया होगा, या फिर मन की तीव्र गति को ध्यान द्वारा साधा होगा, अच्छे लोगों की संगत में रहते होगे, तभी मन मुश्किल समय में शांत रह सकता है। वरना तो वही पुरानी कहावत की आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। इसलिए जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो, शारीरिक रूप से भी ठीक हो, तभी से मन को शांति के मार्ग में लगा दे, ताकि मुश्किल समय आने पर दिमागी संतुलन बना रहे
और बुरे वक्त को ठीक से मैनेज कर सके। जो लोग कठिन परिस्थिति में हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं, उनका दिमाग शांत नहीं रहता है, वे अपने हालत को बदल नहीं पाते हैं। काम करने से बुरे विचार दिमाग में नहीं आते हैं, बल्कि आप काम करने के फल स्वरूप कुछ पाते हैं। यदि यह बुरा हुआ तो अनुभव मिलता है, वरना सफलता के दर्शन होते देर नहीं लगती है। जब हालत विपरीत हो तब आप लंबी गहरी सांस लेने की कोशिश करें। आपका सारा ध्यान आसपास की बुरी बातों से सिमट कर सांसों पर केंद्रित हो जाएगा। आप सिप सिप करके पानी पीने की कोशिश करें। आप खाली ना रहे कोई मनपसंद काम करें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। समय पर भरोसा रखें। आज तक कोई ऐसी रात नहीं हुई जिसका सवेरा ना हुआ हो। जंगल में लगी बड़ी से बड़ी आग भी एक दिन शांत हो ही जाती है। कुछ ना कुछ नया सीखते पढ़ते रहें। यह इन परिस्थितियों के उपहार स्वरूप आपको हमेशा याद रहेगा। आत्मचिंतन मनन करने का यही समय होता है, क्योंकि जब दरवाजे खुलने लगेंगे तो फिर दौड़ शुरू हो जाती है। ये समझिए, ईश्वर ने सबसे मुश्किल रोल के लिए आप जैसे बेहतर कलाकार को चुना है। हर घटना के पीछे प्रकृति का कोई प्रयोजन होता है। इस समय को टिक टिक करती घड़ी की सुइयों की तरह लें। सभी को अपने हिस्से का सुख या दुख स्वयं ही तो भोगना होता है। सुख में तो फिर भी सभी मिलेंगे, लोग आसपास आपको, लेकिन दुख में कोई नहीं आता। मदद करने सभी दूर खड़े रहते हैं और कई बार तो हम दुख में खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं, पर शायद यह सोचना भी पूरी तरह से सही नहीं है। ईश्वरीय शक्ति तो है ना हमारे आसपास, हमारे साथ, बस आवश्यकता होती है तो उन शक्तियों को पहचानने की। बस एक बार कुछ फुर्सत के पल निकालकर उन्हें दिल से याद तो कीजिए, वे अवश्य आते हैं हमारी मदद करने। जब दुखों से हार जाओ तो घबराने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा जीवन इतना संघर्ष भरा क्यों हुआ? जरा यह तो सोचो, लोग तो यह भी कहते हैं अगले पिछले कर्म ऐसे होंगे तभी तो इतना दुख मिला है। नहीं पगले, बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम इस कार्य के लिए चुने गए हो उस प्रभु के द्वारा। तुम में इतनी क्षमता है कि तुम सहन कर सकते हर कष्ट, हर दर्द, विपरीत परिस्थितियों में भी जो ना टूटे खरा सोना बनकर निकले। ऐसे हो तुम कई बार, हम सोचते हैं बस बहुत हुआ, अब नहीं होगा कुछ। हमसे तो सोचो, क्या किसी ने कहा है तुमसे यह सब सहन करने के लिए नहीं? न जीते तो सभी हैं और एक दिन चले भी जाते हैं इस दुनिया से, तो क्या ऐसा जीवन भी कोई जीवन है? जब तक कि कोई संघर्ष ना हो, आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण करने देना बंद करना होगा। एक व्यक्ति शांत मन के जितना करीब आता है, वह मजबूती के उतना ही करीब होता है। मन पानी की तरह है, जब यह अशांत होता है तो देखना मुश्किल हो जाता है, जब यह शांत होता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। अपनी आंखें बंद करें, कुछ देर के लिए अपना दिमाग बंद करें, क्योंकि वहां एक शांत भूमि है जो आपकी उपस्थिति का इंतजार कर रही है। कभी कभी समुद्र के शांत होने की प्रतीक्षा करने का समय नहीं होता है। यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो अपनी यात्रा शुरू करें और तूफान को अपना रास्ता बनने दें। धैर्य प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है। धैर्य का अर्थ है शांत रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे सकारात्मक विकास के अवसरों में बदलने के लिए लगातार कार्रवाई करना और यह विश्वास रखना कि जब आप प्रतीक्षा कर रहे हो तो अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब आप आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं तो आप स्वीकार करते हैं कि आप कौन हैं, आपकी ताकतें, खामियां, इच्छाएं, सपने, वह सब कुछ जो आपको विशिष्ट रूप से आप बनाता है। आप अपने आसपास की दुनिया और सामने आ रही स्थितियों को अधिक स्वीकार करने का अनुभव करते हैं, जिससे चिंता और तनाव का आप पर कम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सामने खड़े व्यक्ति की उम्र और बुद्धि से किसी के मन की बात पता लगाना संभव नहीं है। मन की बात सिर्फ प्यार और सहानुभूति से ही जानी जा सकती है। यदि आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो अपना अधिक समय उन्हीं के साथ बिताएं जो आपको खुश रखते हैं, या फिर उनके साथ जो आपको प्रभावित करे। हारा हुआ खेल दोबारा तो खेला जा सकता है, लेकिन एक बार जो मन से हार गया वह कभी जीत नहीं सकता। सफलता की राह प्रत्यक्ष तौर पर कहीं नहीं होती,
बल्कि वह आपके मन में होती है। अगर आपने अपने मन को जीत के लिए तैयार कर लिया तो कोई और आपको नहीं हरा सकता। आप जीवन में अकेले नहीं चलते। कभी कभी जब आप चीजों से निपट हैं, तो ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ होते हैं, और फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो केवल यह देखते हैं कि आप चीजों से कैसे निपट रहे हैं। किसी भी स्थिति में आपको खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी भी तरह के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। इसलिए शांत और निर्मल आभा बनाए रखें और आपके लिए चीजों से निपटना आसान हो जाएगा। यदि आपका मन शांत है तो विश्वास करें, आप इस दुनिया में कुछ भी जीत सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने कर्मों का उपयोग करने में सक्षम होंगे और चमत्कार के अलावा कुछ नहीं देंगे। और दुनिया आश्चर्य के सामने झुकती है। कोई किसी के दुख का कारण नहीं होता, यह तो अपने ही कर्म होते हैं जिसकी वजह से दुख उठाने पड़ते हैं। आज कौन सुखी नहीं होना चाहता, परंतु वह इसके लिए जो कर्म कर रहा है उसमें सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहां से। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल खा। हम आज जो कुछ कर रहे हैं वह निष्फल नहीं होता, देर सवेर उसका फल अवश्य मिलता है। विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आग में यदि हाथ डाला जाए तो हाथ तुरंत जल जाता है, परंतु एक वृक्ष का बीज आज बोया गया तो उसमें फल आने में कई वर्ष लग जाएंगे, पर फल मिलेगा अवश्य। शुभ कर्म का फल शुभ और अशुभ का अशुभ होना ही है। आज हम जो कुछ हैं वह पिछले कर्मों का देन है, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध के बाद पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो कुछ बनना चाहते हैं या जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें अपने पुरुषार्थ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही साथ ईश्वरीय कृपा ईश्वर अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां देता है। उन परिस्थितियों से अपनी बुद्धि और सामर्थ्य के बल पर निपटना तो आपको ही होगा। दैवीय शक्तियां पुरुषार्थ वालों की ही मददगार होती हैं, निठल्ले आलसी और लोगों की नहीं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होकर देखिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान से निकटता बढ़ाने पर वे सब जिम्मेदारी स्वयं वहन करते हैं। जीवन यापन की सारी वस्तुएं भगवान द्वारा प्रदत्त हैं, पर आलसी काम चोर उसे नहीं पा सकता। मनुष्य को ईश्वर ने असीमित शक्ति दी है, बुद्धि और पुरुषार्थ दिया है, जिसके बल पर क्या हासिल नहीं किया जा सकता। भय और अतृप्त वासना ही समस्त दुखों की जड़ है। जीवन भर मनुष्य जीविका के प्रपंच में उलझा रहता है। मैं और मेरा, तू और तेरा का जाल बुनकर स्वयं उसी में उलझा हुआ अनेकों प्रकार के अनैतिक कर्मों में लगा रहता है। भविष्य के भय को सोचकर अपना वर्तमान भी बिगाड़ लेता है और श्रेय मार्ग को छोड़कर प्रेय मार्ग का अनुगामी हो जाता है, जिसमें दुख के सिवा कुछ है ही नहीं। इस मार्ग पर चलने वाले लोग जीवन की सत्यता मृत्यु को भी नकारने लगते हैं और भविष्य के लिए नैतिक अनैतिक तरीका अपना करर संग्रह में लगे रहते हैं। लोभ मोह और स्वार्थ से ऊपर उठे बिना सच्चे सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। सच्चा सुख तो त्याग की राह पर चलकर पाया जा सकता है। हमारा सनातन धर्म भौतिक सुख के उपभोग को बुरा नहीं मानता, पर इसका आधार धर्म होना चाहिए। धर्म का आचरण करने से छल कपट ईर्ष्या जैसे अनैतिक कर्म में मनुष्य लिप्त नहीं होगा और मेहनत से जो कमाया है उसी को हरी इच्छा समझकर संतोष करेगा। संतोष से परम सुख की प्राप्ति होगी। क्रोध लोभ मोह सभी दुख देने वाले हैं, इनसे हमेशा बचना चाहिए, अन्यथा सुख शांति दूर भागेगी। त्याग और परहित से बढ़कर कोई सुख नहीं है, इसे यथा संभव अपने आचरण में लाना चाहिए। कभी किसी अंधे को सड़क पार कराकर, किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखिए, लोगों से मधुर व्यवहार करके देखिए, इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, पर अतुलनीय सुख की प्राप्ति होगी। विश्वास करना सीखिए, विश्वास कीजिए कि सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है और हम सभी उसकी संतान हैं। विश्वास किसी तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। अत सभी में, चाहे वह इंसान हो, पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे हो, सब में ईश्वर का वास मानकर घृणा को त्याग कर प्रेम करना सीखिए। यही सतत सुख शांति की राह है। घर में छोटे मोटे मन मुटाव तो चलते रहते हैं, पर यह कलह के कारण बनकर दुखदायी भी हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है
कि हम अध आकार की गांठ तो मजबूती से बांध लेते हैं, पर कर्तव्य की पूरी तरह उपेक्षा करते हैं। अपना कर्तव्य भली भांति निभाते हुए यदि दूसरों की बातों पर गौर पूर्वक विचार किया जाए तो निश्चित लगेगा कि मनमुटाव के अनेक कारण बेसिर पैर के बेतुके ही थे। अहम पालने के बजाय यदि कारणों की तरफ सोचा जाए तो मनमुटाव का प्रश्न ही नहीं होगा। सेवा लेने की बजाय सेवा देने का भाव आपकी खुशी कई गुना बढ़ा देगा। प्रेम और मधुर व्यवहार से मनुष्य क्या पशु पक्षी भी अपने बन जाते हैं। जीवन का मार्ग टेढ़ा मेंढा कांटों से भरा है। जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है जो आसानी से पार हो जाए। हमें इसी उतार चढ़ाव के जीवन में स्वयं को कैसे आगे बढ़ाना है, यही विचारणीय है। परिस्थितियां तो आपको हंसाएगी भी और रुलाएगी भी, पर अपने संतुलन को नहीं खोना। हर स्थिति परिस्थिति का सामना करते हुए चलते चले जाओ। भगवान कृष्ण ने गीता में यही उपदेश दिए हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन बनाकर जीवन के मार्ग पर कैसे बढ़ते जाना है। पहली बात तो यही कि अपने नियमों में दृढ़ बनिए, अनुशासन का पालन कीजिए और छोटी छोटी बातों में उलझकर समय व्यर्थ नहीं करना। यह समझिए कि जीवन बहुत मूल्यवान है, जो समय निकल गया वह लौट कर नहीं आ सकता। इसलिए व्यर्थ की बातों में अपना समय और शक्ति न बर्बाद करें। अपने जीवन का कोई एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, क्योंकि लक्ष्यहीन जीवन का कोई मूल्य नहीं। जब आपके सामने कोई लक्ष्य होता है तो व्यक्ति को दिशा भी मिलती है और कुछ करने का उत्साह भी। वैर भाव, ईर्ष्या, क्रोध या जब ऐसे दुर्गुण है जो आपकी प्रगति में बाधक है, इस सब से हमें दूर रहना है। यदि आप किसी के साथ वैर भाव या बदला लेने की भावना लेकर चलते हैं तो आप अपनी ऊर्जा का स्वयं ही ह्रास कर रहे होते हैं। सुगुणों को एक एक करके बाहर निकालना है और सद्गुणों को अपने अंदर भरते जाना है, क्योंकि बुरी आदतें हमारे अंदर किराएदार बनकर आती हैं और फिर मालिक बनकर बैठ जाती हैं, जो दुख और अशांति का कारण बनती है। अपने स्वभाव को और आदतों को लगातार चेक करते रहिए कि कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। आत्मचिंतन ही एक ऐसा आईना है जो आपको आपकी बुराइयों से अवगत कराता है, क्योंकि किसी के कहने से आप नहीं मानेंगे। स्वयं का निरीक्षण करते रहिए और धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को निखते रहिए। अध्यात्म से जुड़कर आप अपने को बहुत ऊंचा उठा सकते हो, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं, भक्ति नहीं, वह तो पशुवुलु है, तो साधारण मनुष्य भी असाधारण हो जाता है। अपने जीवन को संतुलित करना, नियमों से बांधना, आध्यात्मिक होना, ध्यान, पूजा पाठ, हर चीज के लिए समय निर्धारित करके चलना, मन में नकारात्मक विचारों को ना आने देना, सब शुभ को ही अपनी ओर आमंत्रित कीजिए, यही शांति का मूल मंत्र है। सनातन धर्म में कर्म कार्य कारण के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कर्म का अर्थ है कोई कार्य या क्रिया जिसके आधार पर अन्य प्रतिक्रियाएं या परिणाम निकलते हैं। मनुष्य के अच्छे कर्म का अच्छा प्रभाव और उसके बुरे कर्म का बुरा प्रभाव देते हुए पूर्व जन्मों का एक चक्र बन जाता है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका भुगतान उस जन्म में नहीं होता। इस तरह इस चक्र में अगले जन्म में उन कर्मों का फल भुगतना ही होता है। वहीं कार्य कारण सिद्धांत का संबंध न केवल भौतिक युग से होता है, बल्कि हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों, सोचे जा रहे विचारों, कहे जा रहे शब्दों तक पर यह लागू होता है। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, पर वह पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निश्चित होते हैं, जिस कारणवश वह कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाता है। जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त हो जाता है, व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। साथ ही यह भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है कि केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। मनुष्य के कर्म का फल उसकी परिस्थिति और दैवीय शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अधिक है तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित होगा। इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में बुरे कर्म अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक हैं,
तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा। मनुष्य को कौन कौन से कर्म करने चाहिए? मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर उसे संभाले रखना भी बुरा कर्म बताया गया है। उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करें। धन बचाने के लालच में ना पड़े, अपनी आय से अधिक खर्च ना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। हमेशा अच्छे लोगों की मैं संगत में रहें और दुष्ट छल कपटी की संगति से खुद को बचा कर रखें। बुरी संगति हमें अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने का न सोचें। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही आगे चलकर काटना भी पड़ता है। कभी किसी व्यक्ति से कुछ छल से छीनने का प्रयास ना करें। इसे किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। वह अपनी हर अवस्था में दुख भोगता है। अच्छे कर्म के बनने से पहले हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्मों के बनने का सबसे पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्धारण हो सकता है। अच्छे कर्म को करने के लिए हमारे आसपास का वातावरण बहुत अधिक जिम्मेदार होता है। कहा भी जाता है कि जैसा वातावरण वैसे हम इसलिए कोशिश करें कि अपने घर का वातावरण और शरीर का आभा मंडल सकारात्मक बनाए रखें। मृत्यु के पश्चात हमारे भीतर संग्रहित हुए कुछ कर्म अगले जन्म में चले आते हैं। उसे प्रारब्ध कहते हैं। सनातन धर्म में तीन प्रकार के प्रारब्ध का उल्लेख किया गया है। मंद प्रारब्ध, जिसे वैदिक पुरुषार्थ के द्वारा बदला जा सकता है। तीव्र प्रारब्ध, हमारे पुरुषार्थ और संतों के पुरुषार्थ से बदल सकता है। तीव्र प्रारब्ध अपरिवर्तनीय है, क्योंकि इसमें जो होना है वो होकर ही रहेगा। संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? संसार में सबसे बड़ा पाप स्त्री का अपमान करना बताया गया है। स्त्री को सृजनकर्ता का दर्जा दिया गया है और यदि स्त्री का अपमान किया जाएगा तो वह व्यक्ति सबसे बड़े पाप का भोगी माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बना था। पुण्य किसी के द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सहायता, सकारात्मक विचार, द्वेष भावना, लोभ लालच और अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने देना है, जबकि पाप में इन सभी के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम शामिल है। कर्म धर्म का मूल अंश है। कर्म के अभाव में धर्म संभव नहीं है। धर्म के नियम के अनुसार स्काम व पुण्य कर्म करने चाहिए, जिससे सुख और खुशी की प्राप्ति होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म क्या है? दान ही सबसे बड़ा कर्म है। सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? अक्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म ही सबसे उत्तम कर्म है। कर्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म अच्छा तो है पर उत्तम नहीं है। गीता में कर्म क्या है? गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए जाते हैं वे बंधन नहीं उत्पन्न करते, वे मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्म योग है और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय तथा निश्रा होती है। जो भी व्यक्ति अपने गुजरे हुए कल या आने वाले कल में जीता है उसके विषय में ही सोचता रहता है, वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। देखा जाए तो बीते हुए कल और आने वाला कल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वह केवल आपकी सोच में विद्यमान है। अपने मन को सदा ऐसे शिक्षित करो कि आप अपने आज के आनंद में जी सको, अपने प्रत्येक पल की मौज ले सको। जो आपके साथ गलत करते हैं उसका विरोध जरूर करें। अगर आप सामने वाले का गलत व्यवहार सहते रहेंगे तो वह आपके साथ गलत करता ही रहेगा। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं वह मेरे भाई और गुरुजन हैं और मेरे अंदर उनके साथ युद्ध करने का साहस नहीं है,
तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जागृत किया कि जिन्हें तू अपना मान रहा है वह सब पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तू इनसे युद्ध नहीं करेगा तो समाज में पाप बढ़ जाएगा, क्योंकि जब गलत का कोई विरोध नहीं करता है तो सामने वाला गलत करने का जैसे हकदार हो जाता है, और जब आप सब कुछ चुपचाप सहते रहते हो तो सामने वाले को बल मिलने लगता है, वह आपको कमजोर समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके द्वारा किए गए अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। रिश्ते हमें दुख नहीं देते हैं, पर उनके प्रति हमारा मोह हमें दुख देता है। आज से ही अपने मोह को छोड़कर प्रेम का सबक पक्का करें। मोह अपेक्षाओं से जुड़ा है, जबकि प्रेम केवल देना जानता है। मोह एक दो के लिए होता है जिन्हें हम अपना मानते हैं, प्रेम सबके लिए होता है। मोह से कमजोरी पैदा होती है, इसके विपरीत प्रेम से ताकत महसूस होती है। मोह में इंसान एक दूसरे को बांधने की कोशिश करता है, जबकि प्रेम एक दूसरे को फ्रीडम देता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। परमात्मा की प्रकृति में इंसाफ अवश्य होता है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म आपको मुश्किल वक्त में परेशानी से बचाते हैं, इसी तरह आपके द्वारा किए गए गलत कर्म की सजा भी आपको जरूर मिलती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया है कि क्षत्रिय होने के नाते जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, वही काम कर। दुनिया के लोग ज्ञान और अज्ञान दोनों से चलते हैं, इसलिए तू दुनिया का अनुसरण ना कर, बल्कि सत का अनुकरण कर। तेरा धर्म, तेरा कर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर और धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही हर इंसान का अलग अलग कर्तव्य होता है। हम कभी भी कुछ भी इसलिए ना करें कि सब लोग यही करते हैं। अगर आप भी वही करोगे जो सारी भीड़ कर रही है, तो आप उस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप विचार करके वह काम करोगे जो आपके लिए सही है, जिसकी आप में प्रतिभा है, तो सारी भीड़ में भी आप अलग नजर आओगे। इस बात का हम सदा विश्वास रखें कि जो चीज हमारी है वह कहीं ना कहीं से हमारे पास अवश्य पहुंच जाएगी, और जिंदगी में जो कुछ भी आपको हासिल नहीं हुआ है उसका पछतावा करना और उसके लिए रोना छोड़ दे। प्रयास करना मनुष्य के हाथ में है, पर उसका फल उसके हाथ में नहीं है। हम जीवन में किसी की मदद करें या ना करें, पर किसी का भी दिल हमारी वजह से न दुखे, यह बात हमेशा हमें याद रहे। अगर हम किसी का भी दिल दुखाए तो हमें भी उसका दर्द अवश्य मिलेगा। जब हमारी वजह से किसी का दिल दुखता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हमारा दिल दुखता है तो हमें समझ में आता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है उसमें भी कोई भलाई अवश्य है, और जो होगा उसमें दृढ़ विश्वास रखें ही अच्छा ही होगा। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमारे अंदर यह ख्याल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ या मेरे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तब हमें एहसास होता है, अगर हमारे साथ यह सब नहीं हुआ होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। मनुष्य को किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, ना किसी से अति का राग, ना किसी से अति का वैर। हद से ज्यादा आराम आपको आलसी बना सकता है, और हद से ज्यादा खाना आपको बीमार कर सकता है। बहुत ज्यादा भूखा रहना भी खराब है। पूरी नींद, पूरा विश्राम, पूरा भोजन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जीवन को सदा संतुलन के साथ जीना चाहिए, चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो। लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाएं, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। अर्जुन धर्म युद्ध लड़ रहे थे, भगवान कृष्ण उनके साथ थे और उनकी जीत निश्चित थी। महाभारत के युद्ध में यह उदाहरण स्पष्ट नजर आता है। मनुष्य को सदा धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि सामने उसके पितामह और गुरुजन थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया कि यहां पर बात तेरे अधिकारों की है। भरी सभा में द्रौपदी के साथ किया गया अपमान, पांडवों के साथ हुआ अधर्म, सहने योग्य बात नहीं है। जैसे हमें गलत करना नहीं चाहिए, ऐसे ही गलत सहना भी बड़ा पाप है, फिर चाहे वह अपना ही क्यों ना हो। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता से मिलने वाली इन सीखों का मनन चिंतन करेगा,
इनके महत्व को समझेगा, वह जिंदगी की हर परिस्थिति को स्थिरता के साथ पार कर पाएगा। जीवन में आने वाले मुश्किल समय में भी उसे राह अवश्य मिलेगा। जब समय विपरीत हो तब शांत रहना ही सही होता है। अशांति तभी आती है जब सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार नहीं होता है अथवा कुछ भी आपके हिसाब से नहीं होता है। शांत रहने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना होगा, अच्छे से समझना होगा कि सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा, और इसके अलावा किसी से भी कोई उम्मीद ना रखें। जब हम किसी से कोई उम्मीद करते हैं और वह पूरी नहीं होती तब दुख होता है और सोच सोच कर मन अशांत रहने लगता है, और जब मन अशांत रहता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता और व्यक्ति शक्तिहीन सा महसूस करने लगता है। इसके अलावा इस बात से बहुत दूर रहे कि कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। कोई भी व्यक्ति जितना बता दे उतना ही सुन ले, उसके आगे कुरेद की आवश्यकता नहीं है। अपने धर्म के अनुसार अपने प्रभु से मन लगाएं, प्रभु में विश्वास रखें, जो कुछ सुलभ है उसी में खुश रहना सीखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। आप जितना प्रकृति के नजदीक होंगे उतना ही आप खुद में शांति की अनुभूति करेंगे। आप किसी नदी, किसी पर्वत पर भी जा सकते हैं, आप ध्यान द्वारा भी शांति प्राप्त कर सकते हैं। मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कोई को कह सकते हैं कि वह कांव कांव की आवाज न करें, या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे। हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव कांव करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं, पहला ध्यान लगाना या मेडिटेशन, दूसरा वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते, यहां हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। ये मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है, वैराग्य भाव। दूसरा उपाय, वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें।